बाहर हो जाए, मैं हो जाऊंगा बाहर। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। भारत में कई फालतू के शो आते हैं जिससे सबका केवल समय ही बर्बाद हो जाता था, लेकिन देश में अब शार्क टैंक इंडिया शो आया है जिससे आम लोगों का बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। जिन लोगों के पास बिजनेस आइडिया होता है वह शार्क टैंक में जाकर अपने बिजनेस के लिए पैसे ले सकते हैं। इस शो से भारत की जनसंख्या को बहुत सीखने को मिल रहा है। ये दोगलापन नहीं है, ये समझदारी वाला शो है। शार्क टैंक इंडिया के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पालीताना गुजरात में स्थित जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान है जो कानूनी रूप से दुनिया का एकमात्र शाकाहारी शहर है। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पालीताना में पर्वत शिखर पर भव्य 863 जैन मंदिर है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में संगमरमर के शिखर सूर्य की रोशनी में चमकते हुए एक अद्भुत छटा प्रकट करते हैं। 1618 में बना चोमुखा मंदिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या आप भी पालीताना गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन को दुबई में प्रदर्शित किया गया था। यह चेन 5.5 किलोमीटर लंबी और 256 किलो वजन की है। 22 कैरेट सोने से बनी इस चेन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हास्य बनी दुनिया की सबसे लंबी चेन के रूप में जगह दी गई है। इस चेन में करीब 40 लाख जोड़ है जिसे 100 कारीगरों ने 40 दिन में तैयार किया गया है। इस सोने की लंबी चेन के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, दुनिया का पहला शतरंज सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। यह दुनिया का सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की भौतिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। क्या आपने भी शतरंज खेला है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत समय पहले एक रोमन राजा ने युवाओं की विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसी के यहाँ के एक पुजारी जिनका नाम वैलेंटाइन था वो इस बात से नाखुश थे और उन्होंने वहाँ के युवा सैनिकों को शादी के लिए प्रेरित करने लगे। यह बात राजा को पसंद नहीं आई तो उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी पर चढ़वा दिया। तभी से उनकी याद में 14 फरवरी को प्रेम दिवस में मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे के बारे में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।